सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। HRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मॉड्यूल 13 कोर्स 13 स्कूल नेतृत्व अवधारणा और अनुप्रयोग, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतिम भाग के 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपको इस वीडियो पर मिल जाएंगे और आपको ध्यानपूर्वक स्कूल लीडरशिप कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशंस के बारे में समझना है, ताकि अगला जब भी मॉड्यूल आए तो आप आसानी से उसको कर सकें। तो साथियों, इस प्रकार से निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में यदि आप पहली बार इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्यालय की स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है? कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग या रसोई घर? विद्यालय की स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए हमें कक्षा स्टाफ मीटिंग, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, ताकि अपने स्टाफ के साथ हम स्टाफ मीटिंग ही कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, अध्यापकों को नए शिक्षण तरीकों का प्रयोग करने में सहायता करना। स्कूल लीडरशिप का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है, इसका अर्थ है विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना। सेकंड पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग किसके लिए उपयोगी नहीं है? विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। विद्यालय विकास योजना में तीन चीज़ें ऊपर की सम्मिलित हैं, विद्यालय का विजन निर्मित करने में, विद्यालय से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, लेकिन उपयोगी चौथा ऑप्शन नहीं है, केवल प्रशासकीय उद्देश्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है? सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करना, सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता, सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मकता सोच पर जोर देता है, सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुगमकर्ता होता है। अब यहाँ पर बात आ रही है सक्रिय अधिगम नहीं है, तो सक्रिय अधिगम के अंतर्गत सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है, यह ऑप्शन टू सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखते हैं, हाँ करेक्ट है, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना, दल अधिगम। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इनमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? यहाँ पर विद्यालय विकास योजना, सॉरी, ये चौथा ऑप्शन दल अधिगम, यह आपका करेक्ट आंसर है चौथा। चौथे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा एकेडमिक लीडरशिप के मुख्य अवयव नहीं है? अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है। सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु का ज्ञान, एकेडमिक परीक्षण, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की
समझ। यहाँ पर चौथा ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है, प्रशासनिक नियमों एवं विनियमों की समझ। यह एकेडमिक लीडरशिप के मुख्य आयाम में से नहीं है, अतिरिक्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? विषय वस्तु का ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं एवं विविधता, विद्यालय के भौतिक संसाधन। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? विषय वस्तु का ज्ञान, विषय की शिक्षण शास्त्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकता एवं विविधता है। यहाँ पर विद्यालय के भौतिक संसाधन, यह बिंदु सहायक नहीं है विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में। चौथे पे टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु तीन मुख्य अवयव क्या हैं? ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, सकारात्मक सोच अनम्य होना एवं संप्रेषण अभिवृत्ति कौशल एवं संप्रेषण। मेरे समझ से साथियों, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति यह करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित करने हेतु तीन मुख्य अवयव में से है। देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। बिल्कुल सही है, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? स्कूल लीडरशिप की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक नेतृत्वकर्ता के रूप में लीडर वाई पोजीशन, लीडर वाई एक्शन, लीडर वाई पोजीशन के साथ लीडर वाई एक्शन होना। विद्यालय प्रमुख के तौर पर, स्कूल हेड के तौर पर विद्यालय लीडरशिप की क्या भूमिका होनी चाहिए? एक नेतृत्वकर्ता के रूप में लीडर वाई पोजीशन, लीडर वाई एक्शन, लीडर वाई पोजीशन के साथ लीडर वाई एक्शन होना। यहाँ पर दो ऑप्शन तो आपके लीडर बाई पोजीशन, लीडर बाई एक्शन, ये तो नहीं होना चाहिए। पहले और चौथे में से देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। चौथा है, ताकि लीडर बाई पोजीशन के साथ और लीडर बाई एक्शन होना, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है स्कूल लीडरशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से दो महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? प्रशासक एवं प्रबंधक, आयोजक एवं योजनाकर्ता, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण, खलल पैदा करने वाला एवं शिकायती रवैया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से दो महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? यहाँ पर प्रशासक एवं प्रबंधक के साथ साथ पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण तीसरा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, तीसरे पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहलकर्ता एवं सकारात्मक, पॉजिटिव उसकी थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 10 में से 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया और यहाँ पर सबमिट क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आगे कंप्लीट हो गए। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप पसंद आया हो तो वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर करें और साथियों को दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।